हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव में। और बच्चों, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, हमने हमारा चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल जो है वो शुरू किया था। और आज है इसका लेक्चर नंबर टू है, मतलब कि आधा चैप्टर पिछले क्लास में कर लिया, आधा चैप्टर आज की क्लास में करेंगे। साथ ही साथ हम क्विज भी खेलेंगे। क्विज के क्वेश्चंस पिछले लेक्चर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, इसीलिए देखेंगे उन क्वेश्चंस के जरिए कि पिछली जो क्लास है वो कितनी याद है, कितना ज़्यादा ध्यान दिया था, क्या क्या सोचा था, क्या क्या बताया था मैंने, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यार, पता है क्या सीन था इसमें कि ना, हरित क्रांति के बारे में नॉर्मली इसमें बताया गया था, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। किसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोई आइडिया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है कि हम लोग प्रोग्रेस करें तो सही, डेवलपमेंट करें तो सही, लेकिन हमारे आसपास की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको नुकसान पहुंचाए बिना, राइट? सो ये एक इस तरीके की क्रांति थी, ये जो द ग्रीन मूवमेंट थी, ये जो हरित क्रांति थी, ये किस तरीके की क्रांति थी जिसको लेकर पूरे विश्व में, किसमें, पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस थी, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता थी इसको लेकर, और सभी लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब ये थे, जागरूक थे एक तरीके से कि हाँ, मतलब हम अपने आने वाले बच्चों के लिए, हमारी जो आगे की जनरेशन है उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे? रेगिस्तान छोड़ के जाएंगे? पानी नहीं छोड़ के जाएंगे? रिसोर्सेज वगैरह नहीं छोड़ के जाएंगे क्या? है ना, सारा पॉल्यूशन से भर रखा है हमने अपना एनवायरमेंट। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इनके बारे में लास्ट क्लास में हमने बात की थी, आधा चैप्टर हम कवर कर चुके थे, आधा चैप्टर बाकी है। तो फटाफट से हम आगे की क्लास जो है वो आज शुरू कर देते हैं। ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपको लाइन बाय लाइन पूरी सुननी है तो आप पिछले वाली क्लास ज़रूर लगाइए। एंड आज की क्लास में हम आगे का चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि ये जो चीज़ें होती हैं कि जिस तरीके से हमारा पूरे वर्ल्ड में जो फूड की सप्लाई है ना, तो वो किस तरीके से, कौन सी ऐसी चार चीज़ें हैं जो बेसिकली अफेक्ट होती हैं। जैसे कि हमने बोला था कि जो फिशरीज हैं, जो फॉरेस्ट्स हैं, जो ग्रासलैंड्स हैं एंड जो क्रॉपलैंड्स हैं, ये चारों बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ये चारों चीज़ें प्रभावित होती हैं। फिशरीज मतलब लोगों को प्रोटीन खाना है, बेफालतू में मीट खाना है, मांस मच्छी खाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, जिम जाना है, बॉडी बनानी है, या फिर ऐसे ही स्वाद बहुत लगता है इसलिए। तो बहुत ज़्यादा इनटेक प्रोटीन का, ये जो भूख है प्रोटीन को लेकर, इसके कारण हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फिश हुआ या बाकी के जो जानवर हुए उनको हम शिकार करते हैं, उनका मारते हैं, काटते हैं, बनाते हैं बढ़िया। फॉरेस्ट जो हैं, इंडस्ट्रीज बनानी है नई, लोग इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, लोगों के रहने के लिए घर बनाने हैं, ठीक है, डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनानी है, तो क्या करते हैं, फॉरेस्ट काट देते हैं, ठीक है, घास के मैदान जो है वो भी बुरी तरीके से हालत ख़राब है उनकी। और क्रॉपलैंड्स जो हैं, जहाँ पर हम खेती बाड़ी करते हैं, तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यही सब बातें हमने पिछले वाले लेक्चर में की थी और हमने यहाँ तक एवरीडे तक पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। सो इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। अब वो क्या कह रहे हैं, डेसिमेटेड। व्हाट इज डेसिमेटेड? टू रिड्यूस इन नंबर। डेसिमेटेड क्या होता है? टू रिड्यूस इन नंबर। देखो क्या कह रहा है, इन पुअर कंट्रीज, जो गरीब देश हैं, कैसे देश हैं, जो गरीब देश हैं, ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, वहां क्या किया जाता है, जो लोकल फॉरेस्ट है, जो आम फॉरेस्ट है हमारे जैसे आसपास के जो फॉरेस्ट है, आर बीइंग डेसिमेटेड। वो क्या हो रहे हैं धीरे धीरे, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कम क्यों हो रहे हैं? डेवलपमेंट नहीं है, गैस वगैरह यूज नहीं करते हैं, वहां के लोग चूल्हा जलाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज, इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, व्हाट इज प्रोक्योर? ऑब्टेन विद केयर और एफर्ट। किसी भी चीज को
ऑब्टेन करना, पाना विद केयर, या फिर हम कह सकते हैं एफर्ट के साथ, मेहनत के साथ। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी उनके लोकल फॉरेस्ट वगैरह है वो धीरे धीरे करके घट रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई क्या करना पड़ता है, फायरवुड, आग लगाने के लिए लकड़ियां लेकर आनी पड़ती हैं, खाना बनाने के लिए लकड़ियां काट कर लेकर आनी पड़ती हैं, और तभी वो खाना बना पाते हैं, चूल्हा जला पाते हैं। कुछ जगहों पर, इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside. देखो क्या बोला है कि कुछ जगहों पर जो फायरवुड है, जो आग लगाने के लिए लकड़ी हम यूज कर रहे हैं, has become so expensive, वो इतनी ज्यादा, has become मतलब इतनी ज्यादा महंगी हो गई है, expensive हो गई है, that what goes under the pot, की जो चीज पॉट के अंदर जाती है, पॉट is इस बर्तन के अंदर, कि भाई जो खाना बनाने के लिए चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, तेल चाहिए, नमक मसाले चाहिए, सब्जी चाहिए, कह रहे हैं कि जो खाना बनाने के लिए चीजें चाहिए होती है, मतलब जो पॉट के अंदर चीजें डाली जाती हैं वो सस्ती पड़ती हैं, लेकिन जो उसके नीचे लकड़ियां लगाई जाती है ना वो महंगी पड़ती हैं। Since the tropical forest is in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution. वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम देखें, Dr. Myers ने क्या कहा था कि जो tropical forest है वो क्या है, वो क्या है, powerhouse है evolution का। इवोल्यूशन इज विकास का वो पावर हाउस है, मतलब वहां से उसको पूरी एनर्जी जो है वो मिल रही है, मेन सोर्स जो है, बहुत बड़ा सोर्स हम कह सकते हैं एक तरीके से, पावर हाउस है विकास का। सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, कि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं, प्रजातियां ऐसी हैं जो क्या फेस कर रही हैं बच्चों, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो क्या फेस कर रही हैं, ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब धीरे धीरे कर वो खत्म हो रही है, क्यों, क्योंकि हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, ठीक है, तो उनके रहने की जगह को अगर हम बिल्कुल तबाह कर देंगे तो बेचारे जिंदा थोड़ी रह पाएंगे, खाना वाना कहां से खाएंगे वो लोग, कैसे अपना काम चलाएंगे, कैसे गुजारा चलाएंगे, राइट आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या कह रहा है कि ये देखो, दीज आर दी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो बिल्कुल घने जंगल होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए है ना, जगह नहीं होती है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे भाई करोड़ों तरीके की जातियां रहती हैं, करोड़ों तरीके के जानवर आप यहाँ पा सकते हैं, और अगर आप इन सबको बिल्कुल साफ कर दोगे तो जानवर जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे बेचारे जानवर, तो इसीलिए धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो समापन की तरफ जा रही है, मतलब धीरे धीरे करके वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. अब यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है कि it has been well said, ये बहुत बढ़िया कहा गया है, that कि forests जो जंगल होते हैं precede mankind. What is precede? Come before in position, मतलब कि जैसे एक दो तीन चार अगर हम इस तरीके से order में लगाएं तो mankind से ऊपर आती हैं, mankind से ऊपर जो है वो forests आते हैं, ठीक है, डिजर्ट्स फॉलो, और उसके बाद क्या आते हैं, डिजर्ट्स आते हैं, मतलब रेगिस्तान। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres अ ईयर, एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहां पर देखो, The world's ancient patrimony. What is patrimony? Property inherited from father or mother. मतलब हमें जो हमारे पूर्वजों से हमारी संपत्ति मिलती है, that is, उसका मतलब क्या है? Patrimony. तो कह रहे हैं कि जो इस दुनिया की प्राचीन संपत्ति है of tropical forest, जो ये tropical forest हमको मिले हैं, is eroding. What is eroding? मतलब ये धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। किस रेट पे, क्या रेट चल रहा है उनका, किस दर पे वो खत्म हो रहे हैं, एट द रेट ऑफ 40 to 50 millions, 40 से 50 मिलियन एकड़ एक साल में ये जो संपत्ति हमें हमारे प्राचीन लोगों से मिली है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हमें मिले हैं, हमारी ये जो संपत्ति है ये धीरे धीरे कर खत्म हो रही है। किस दर से? 40 से 50 मिलियन एकड़ एक साल में, बहुत बड़ा नंबर है ये। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, डंग इज गोबर,
तो वो कह रहे हैं कि ये जो बढ़ता हुआ इस्तेमाल है गोबर का फॉर बर्निंग deprives the soil of an important natural fertilizers. तो वो burning अगर हम उसको जला देते हैं, deprives मतलब कि घटा देती है, destroy कर देती है, क्या कर देती है, कम कर देती है, deprives the soil of an important natural fertilizer. ठीक है, उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, अब गोबर वगैरह ये लोग सुखा कर और इसको जलाने के काम में लेते हैं, राइट, इसको वहीं पर रहने नहीं देते, जिसके कारण एक तरीके से ये खाद की तरह इस्तेमाल होता है ना. तो सॉइल जो है उसको अपना इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, एकदम प्राकृतिक खाद जो है वो हमारी मिट्टी को नहीं मिल पाती. हमारी मिट्टी को वो जो प्राकृतिक खाद है जो हमें गोबर वगैरह से मिलती है वो नहीं मिल पाती. क्यों, हमने क्या शुरू कर दिया, उसको प्रिजर्व करके, उसको सुखा के और आग लगाना अपने यूज में लेना शुरू कर दिया है. The World Bank estimates that, जो World Bank है वो क्या अनुमान लगाता है बच्चे, that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. क्या कह रहा है जो World Bank है, वो ये अनुमान लगाकर बोल रहा है कि five-fold increase, five-fold मतलब पांच गुना बढ़त जरूरी है forest planting में, मतलब हम जिस दर से काटे जा रहे हैं ना जंगलों को, काटे जा रहे, तो बोल रहे पांच गुना ज्यादा इंक्रीज जो है वो जरूरी है कि हम जंगलों को वापस से प्लांट करें और पेड़ पौधे जो हैं वो लगाएं, ताकि हम नीडेड टू कोप विद, ताकि हम किसके समान आ सकें, विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000, कि भाई जितनी ज्यादा डिमांड चल रही है ना फ्यूल वुड की, कि ये जो लकड़ी हमें चाहिए होती है फ्यूल के लिए, आग वगैरह लगाने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो बोल रहे हैं कि 2000 में, साल 2000 में, 2000 ईयर्स डिमांड इन द ईयर 2000. अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है ना, तो वो यही बोल रहे थे कि बैंक, वर्ल्ड बैंक ने ये अनुमान लगाया कि पांच गुना बढ़त जो है हमें चाहिए, इस दर से हमें क्या लगाने हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं, ताकि हम क्या किस चीज को कोप कर सके, किस चीज तक पहुंच सके, विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड, जिस तरीके से डिमांड की जा रही है ना उस अकॉर्डिंग हमें पांच गुना ज्यादा तेजी से क्या लगाने होंगे, पेड़ लगाने होंगे. कतई नहीं करते हम ये काम. तो जेम्स स्पेथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट सेड द अदर डे, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट्स एट एन एकर अ सेकेंड, but it is much closer to an acre and a half to a second. James Speth, ये थे हमारे James Speth, World Resource Institute के President. James Speth हैं ये, World Resource Institute के क्या हैं ये, President हैं. उन्होंने कहा था, we were saying, हम ये कह रहे हैं, that we are losing, कि हम खो रहे हैं, किनको, जंगलों को, किस रेट पर, एट एन एकर अ सेकेंड, मतलब हर सेकेंड हम एक एकड़ जंगल जो है वो खो देते हैं, बट इट इज मच क्लोजर. लेकिन वो कह रहे हैं, हम ऐसा कहते तो हैं कि भाई एक सेकेंड में एक एकड़ जंगल जो है वो साफ कर दिया जाता है, लेकिन असलियत में क्या है कि आधे सेकेंड में ही हम कर रहे हैं, एक में भी नहीं, आधे सेकेंड में ही हम एक एकड़ जंगल जो है वो साफ कर दे रहे हैं. ऐसा किसने कहा था, जेम्स स्पेथ ने, जो क्या थे, प्रेसिडेंट थे द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, याद रखना. चलो अब आगे बढ़ने से पहले हम एक क्विज खेल लेते हैं फटाफट से, ठीक है. तो हमारे क्विज का पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, What did the sign in the zoo in Alaska read? कि भाई जो sign था, मैंने पिछली वाली क्लास में ये सवाल करवाया था, ये बताया था कि एक zoo था अलास्का में, और उस zoo के अंदर एक केज था जिसके अंदर क्या लिखे हुए थे, शीशे लगे हुए थे, और बाहर क्या लिखा हुआ था, एनिमल लिखा हुआ था, लायन लिखा हुआ था, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर लिखा हुआ था, या फिर वार्निंग, चेतावनी लिखा हुआ था, क्या चीजें चारों में से उस जू के, उस केज के बाहर लिखी हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द वन ऑफ द रीजंस फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, इन चारों में से कौन सा एक रीजन है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, जिस तरीके से हम शोषण कर रहे हैं,
हमारे एनवायरमेंट का क्या है, उनमें से इन सब में से कौन सा एक ऐसा रीजन है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, एनिमल एक्सटिंक्शन की धीरे धीरे जो एनिमल्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, या वाटर? जल्दी बताइए। ठीक है, पहला वाला जो क्वेश्चन है जो था, व्हाट डिड द साइन इन द ज़ू इन अलास्का रीड, तो उसके बाहर मैंने आपको बताया था कि उस वाले केज में ना खाली था वो, केवल उसके बाहर शीशे लगे हुए थे, अंदर सॉरी, और बाहर चेतावनी पे लिखा हुआ था, मतलब बाहर जो बोर्ड होता है जिसपे यूजुअली ये लिखा रहता है कि भाई अंदर कौन सा वाला जानवर है उसके बारे में डिटेल लिखी होती है, तो उसमें लिखा हुआ था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा, क्योंकि अंदर शीशे लगे थे और जब कोई भी देखता था तो उसको खुद की शक्ल दिखाई दिया करती थी, दैट इज ह्यूमन बीइंग, मतलब कि एक इंसान जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है, क्योंकि मतलब जानवरों को मार रहा है, पेड़ पौधे खत्म कर रहा है, पूरे इन्वायरमेंट को, वातावरण को बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, राइट तो यही हुआ ना, दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर। एंड व्हाट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, इनमें से सबसे ज्यादा, मतलब इनमें से कौन सा एक रीजन है जिसके कारण हम इतना ज्यादा अपने वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, एनिमल एक्सटिंक्शन, या वाटर? सो ऑब्वियस सी बात है, बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, तो क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लोगों की मांग बढ़ रही है, और लोगों की जब मांग बढ़ती है तो उनको पूरा करने के लिए हम अपनी जो रिसोर्सेज भगवान ने दिए हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हमें दिए गए हैं, हम उनको खराब करते हैं, तबाह करते हैं अपनी सहूलियत के लिए, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलो वापस से आ जाते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। ये हम पढ़ चुके थे, यस चलो आगे। हाँ, सो अब यहां पे क्या कह रहा है बेटा, देखो आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, बट causes endless anguish in this is the fact that laws are never respected nor enforced in India. इतनी लंबी लाइन बोल दी, क्या कहना चाह रहे हैं बताओ? ये देखो, ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 48A के अनुसार, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो आर्टिकल 48A है भारत के संविधान में, provides that, वो क्या कहता है, the state shall endeavor to protect and improve the एनवायरमेंट, मतलब कि जो राज्य है उन्हें क्या करना चाहिए, एंडेवर मतलब प्रयास करना चाहिए टू प्रोटेक्ट, बचाने का और इंप्रूव करने का, उसको और ज्यादा बेहतर करने का, किसको, हमारे वातावरण को, हमारे एनवायरमेंट को, एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट, और रक्षा करनी चाहिए हमारे जंगलों की, और उसके अंदर जो जानवर हैं, जो वाइल्ड लाइफ वहां पर है देश की, उनकी भी रक्षा करनी चाहिए, ये जिम्मेदारी है राज्य की। पर व्हाट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, एंग्विश इज सफरिंग, पेन, दुख, दर्द, तकलीफ, तो वो कह रहा है कि कभी ना खत्म होने वाली जो तकलीफ है ये किस कारण हो रही है, इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, ये इस कारण हो रही है कि ये जो नियम कानून बनाए गए हैं इनकी कभी भी इज्जत नहीं की गई, मतलब इनको कभी भी फॉलो नहीं किया गया, ना ही एनफोर्स्ड इन इंडिया, एनफोर्स्ड मतलब ना ही कभी लागू किया गया भारत में। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operations of the constitution. अब ये हमें यहाँ पे example देते हैं कि for instance कि भाई तुम example के लिए यही लगा लो कि जो हमारा संविधान है वो क्या कहता है कि ये जो कास्ट होती है, जाति के नाम पर जो भेदभाव होते हैं, ठीक है, छुआछूत वाली ये जो चीजें होती हैं, बॉन्डेड लेबर वाली जो चीजें होती हैं, ये क्या कर देनी चाहिए, एबॉलिश मतलब इन्हें खत्म कर देना चाहिए, लेकिन बट दे फ्लरिश, फिर भी क्या है, वो चीजें फल फूल रही हैं,
शर्मनाक तरीके से, शेमलेसली कहां गया, शेमलेसली इज शर्मनाक तरीके से 44 years कि जब से हमारा ये जो संविधान बना है इसके 44 साल बाद भी ये सब चीजें जो हैं वो लगातार बुरे तरीके से, शर्मनाक तरीके से हमारे इस समाज में क्या हो रही है बेटा, फल फूल रही हैं। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades. कितनी बड़ी बात है कि एक recent report आई है हमारे कहां से, पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी की तरफ से, एक रीसेंट, एक बिल्कुल ताजी ताजी एक रिपोर्ट आई है और उसमें क्या चीज उभार कर दिखाई गई है, हाईलाइट करके दिखाई गई है, द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन। कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन मतलब किसी भी चीज में इतनी ज्यादा दर पर कमी होना जिससे कि क्या हो, वो चीज एकदम मतलब खत्म होने की गगार पर ही आ जाए। एक होता है आप रिसोर्सेज को ढंग से यूज कर रहे हो, कर भी रहे हो तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि उसको हम रीयूज कर पाए, ठीक है, अगर प्लांट्स काटे हैं तो हम उन्हें वापस लगा रहे हैं इस तरीके से, लेकिन कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन इज मतलब इतना ज्यादा दर पर वो चीज कम हो रही है, उसका जो नंबर है वो इतना ज्यादा तरीके से कम हो रहा है कि ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 decades की पिछले 4 decades, मतलब पिछले एक डेकेड इज 10 साल, सो 4 decades से जो डिप्लेशन आया है, जो कमी आई है फॉरेस्ट में, जिस दर से जो हमारे जंगल वंगल काटे गए हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा डरा देने वाला है, बहुत ज्यादा विनाशकारी है। India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. वो कह रहे हैं कि भारत, according to reliable data, किसके अनुसार, एक reliable data जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, इस तरीके के data के अनुसार, is losing its forest, वो अपने जंगलों को खो रहा है, at the rate of, किस दर से, 3.7 मिलियन एकड़ एक साल में। भारत के अंदर एक डेटा है, हमें पता चला है जिस अकॉर्डिंग इन लोगों ने सर्वे वगैरह किया होगा, शोध वगैरह किया होगा, तो उसमें क्या है कि भारत में 3.7 मिलियन एकड़ जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो प्रति साल जो है वो काट दिया जाता है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। अब जो बड़े बड़े एरियाज हैं जिन्हें ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट, जो ऑफिशियली बोले गए हैं, नियुक्त किए गए हैं कि भाई ये जंगल है ऑफिशियली, ठीक है, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। वो क्या है, वो वास्तव में ट्रीलेस है, मतलब उनमें पेड़ पौधे ही नहीं है। जो एरिया बोल रखा है भाई ये जंगल का एरिया है, तुम जंगल के एरिया में क्या देखोगे साला, वहां पे वो ही नहीं है, एक भी पेड़ ही नहीं है। The actual loss of forests is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics. The actual loss of forest, जो असली loss है हमारे जंगलों का, is estimated, उसका क्या अनुमान लगाया गया है, to be about, कितना है वो, 8 times, 8 गुना है The rate indicated by the government statistics, कि जो हमारी सरकार हमें जो आंकड़े देती है ना, जो सरकार हमें आंकड़े दे रही है, तो कह रहे हैं जो असली में जो लॉस हो रहा है ना जंगलों का, जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो 8 गुना ज्यादा है जो एक्चुअल में हम देखें कि हो रहा है। एक्चुअल में जितना हमें सरकार बता रही है उससे 8 गुना ज्यादा, इमेजिन, उससे 8 गुना ज्यादा हमारे जो फॉरेस्ट है वो काटे जा रहे हैं, उनका रेट जो है, हमारा जो लॉस है वो ज्यादा है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. क्या बोल रहे हैं? A 3-year study, एक 3 साल की study की गई, पूरी पढ़ाई की गई, पूरा सब कुछ देखा गया, satellites और aerial photography मतलब ऊपर अंतरिक्ष से जो फोटो वोटो खींचते हैं ना ये लोग, उससे एक स्टडी की गई, किसने करी, यूनाइटेड नेशंस ने करी, और उन्होंने चेतावनी दी दैट द एनवायरनमेंट हैज डेटरियोरेटेड, कि हमारा जो वातावरण, हमारा जो पर्यावरण है
वो बहुत ही भयंकर तरीके से डेट्रियोरेटेड, मतलब उसका जो रूप है वो बिगड़ता जा रहा है, बहुत बुरी हालत होती जा रही है, दैट इट इज क्रिटिकल, कि बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गई है हालत इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज, कह रहे हैं जो 88 कंट्रीज है, ठीक है, जिनमें हमने ये खोजबीन करी है और जिनकी ये फोटोज वगैरह खींची हैं, तो इनकी जो कंडीशन है, इनकी जो इस समय पर इनकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा नाजुक है. देख रहे हो आप आंकड़े. There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. So there can be no doubt, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी doubt नहीं है that the growth of the world population की ये जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है ना, growth जिस तरीके से हो रही है दुनिया की आबादी में, ये एक सबसे बड़ा और strong कारण है, strong factor है distorting the future of ह्यूमन सोसाइटी. ये क्या कर रहा है, रूप बिगाड़ रहा है, एक तरीके से खराब कर रहा है हमारी ह्यूमन सोसाइटी को. भाई बहुत भीड़ हो जाएगी तो क्या करेंगे, सारी रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी, एक दिन तो खत्म होंगी ही होंगी, ठीक है, जब डिमांड्स ही पूरी नहीं होंगी, रह ही नहीं पाओगे, तो इतनी सारी पॉपुलेशन क्या होगी, मर जाएगी सारी. इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन, कि ये जो मैनकाइंड है, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसे 1 मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा समय लगा 1 बिलियन बनने में. दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर. ये क्या थी, ये पूरे दुनिया की पॉपुलेशन थी 1800 में, लेकिन बाय द ईयर 1900, जैसे ही 1900वां साल शुरू हुआ, अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड. पहले 1 मिलियन साल लगे थे लोगों को 1 बिलियन बनने में, और बाद में उसके क्या हुआ, 100 साल में ही, 100 साल में ही क्या हुआ, जल्दी से बताओ, सॉरी 1900 में, मतलब जल्दी बताओ कितने में, 1900 में, मतलब कि 1800 से जब ये लोग 1900 में आए, मतलब 100 साल में ही क्या कर दिया, 1 बिलियन और जो है वो हमारे देश की आबादी में जुड़ गया. एंड द 20th सेंचुरी, और जब 20वीं शताब्दी चालू हुई, ही एडेड अनादर 3.7 बिलियन, और अगले 100 सालों में तो भाई साहब 3.7 बिलियन, मतलब पहले 1 मिलियन साल लगा था 1 बिलियन बनने में, उसके बाद केवल 100 साल लगे कितना बनने में, 2 बिलियन बनने में, और उसके बाद सीधे अगले 100 सालों में 3.7 बिलियन लोग और ऐड हो गए. और अब जो हमारी दुनिया की पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेट लगाएं, हम अंदाजा लगाएं, तो वो लगभग 5.7 बिलियन है, और हर 4 दिनों में द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 1 मिलियन. और अब तो क्या होता है कि हर 4 दिनों में 1 मिलियन जो है हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या जो है वो हमारे पूरे विश्व की बढ़ जाती है. फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स, दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव. अब वो क्या कह रहे हैं, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, जैसे ही आपकी ये जो इनकम बढ़ती है तो फर्टिलिटी जो है वो गिर जाती है. जैसे ही हम, मतलब फर्टिलिटी गिर जाती है, मतलब लोग बागों में थोड़ी समझ ज्यादा आ जाती है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जनसंख्या थोड़ी कम होनी शुरू होती है. जैसे ही शिक्षा लोगों तक पहुंचनी शुरू होती है, लोगों की हेल्थ सही होना शुरू होती है, ठीक है, हेल्थ जैसे इंप्रूव होती है, तो डेवलपमेंट जो है, विकास जो है एक तरीके से, वो एक बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है. क्या है वो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, जिससे बेबीज नहीं होते. तो वो कह रहे हैं कि अगर हमें अपनी पॉपुलेशन बचानी है तो उसके लिए डेवलपमेंट करनी जरूरी है, लोगों को शिक्षित करना जरूरी है, वरना 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे लोग करते चले जाते हैं. थोड़ी शिक्षा होगी, ठीक है, पैसे वैसे थोड़े सही मिलेंगे, हेल्थ वेल्थ सही रहेगी, तो दिमाग में थोड़ा सा सेटलमेंट आएगा और लोग बाग थोड़े समझदारी के साथ बिहेव करेंगे. बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन डेवलपमेंट, ये जो विकास है, ये अपने आप तो पॉसिबल नहीं है. इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूस, ये जिस तरीके से अभी जिस दर से ये जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो भाई ऐसे तो डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल अपने आप नहीं हो सकती. द रिच गेट रिचर,
जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, एंड द पुअर बेगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर. व्हाट इज बेगेट? गिव लाइफ टू, जिसे जन्म देते हैं. और जो गरीब लोग हैं वो जिन बच्चों को जन्म देते हैं, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर. कंडेम्स मतलब, व्हाट इज कंडेम्स? फाइंड गिल्टी ऑफ समथिंग, मतलब वो कसूरवार हैं किसी चीज के. तो क्या कह रहे हैं? गरीब लोग हैं, गरीब लोगों ने पांच पांच छह छह बच्चे कर लिए, तो अब उन्हें पढ़ा लिखा पाएंगे क्या? उन्हें खाना भी नहीं खिला पाएंगे. तो खुद तो गरीब है और बाकी के इतने सारे जो बच्चे हैं उनके, वो भी बेचारे क्या हो जाते हैं? इस गरीबी का शिकार हो जाते हैं, और इसी वजह से वो गरीब ही रह जाते हैं. और जो अमीर तबका है वो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है. मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स. लोगों की ये मतलब जो है लेबर वगैरह होते हैं जो, इनका ये मानना होता है कि भाई जितने हाथ होंगे उतना ही पैसा होगा, तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज्यादा घर में पैसा आएगा. लेकिन भाई उन बच्चों को काम करवाने के लिए जब वो बड़े होंगे, सबसे पहली बात क्या करते हैं? चाइल्ड लेबर. बच्चों से ही काम करवाना शुरू कर देते हैं, जो शोषण है बहुत बड़ा, नहीं करना चाहिए. दूसरी चीज, उन्हें खिला पिला नहीं पाते, एजुकेशन नहीं दे पाते. नहीं दे पाते ना, तो इसका मतलब ये नहीं है, ज्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा काम करने वाले लोग हैं घर में. ये चीज दिमाग से निकालनी होगी लोगों के. मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क. मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा वर्कर्स है, इसका मतलब ये है कि और ज्यादा लोग जो है वो क्या हो गए? बिना काम के हो गए. इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल. ऐसा सुझाव नहीं दिया जाता कि हम ह्यूमन बीइंग्स को कैसे ट्रीट करें, जानवरों की तरह, कैटल्स की तरह ट्रीट करें. ठीक है, टू बी ट्रीटेड लाइक कैटल्स एंड कंपल्सिवली स्टेरिलाइज्ड. व्हाट इज स्टेरिलाइज्ड? मेक फ्री फ्रॉम द बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्या कहने का मतलब है यहां पे? वो यही कह रहे हैं कि ये सुझाव नहीं दिया जा सकता कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो हमारे मनुष्य हैं, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाए. बी ट्रीटेड लाइक कैटल्स, कि भाई काम करवाए जा रहे हैं और ये सब करवाए जा रहे हैं. एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज्ड. कंपल्सरीली मतलब बिल्कुल कंपल्शन तो आपको पता ही है. स्टेरिलाइज्ड मतलब मेक फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया. बैक्टीरिया यहां पर क्या है? गरीबी. गरीबी से उन्हें दूर किया जाए. बट देर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोअर्शन. वो क्या कह रहे हैं कि बट देर इज नो अल्टरनेटिव, इसका कोई और अल्टरनेटिव ही नहीं है. जब तक हम क्या नहीं करेंगे, ये जो फैमिली प्लानिंग वाली चीज होती है ना, ये वाला एलिमेंट जब तक हम फोर्स नहीं करेंगे कि भाई बच्चे दो ही अच्छे, वो वाली चीज, तीसरा बच्चा करना ही नहीं है, बिल्कुल बैन है, तब तक ये चीज कंट्रोल नहीं हो सकती. द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी. क्या कह रहे हैं? चॉइस किस किस चीज के बीच में है? चॉइस है दो चीजों के बीच में, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, कि या तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लें, एंड परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, या फिर ये जो गरीबी जिस दर से बढ़ रही है हम इसको ऐसे ही बढ़ने दें. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टूडे. आज के समय पर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये जब चैप्टर लिखा हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी पॉपुलेशन है भारत की, वो लगभग 920 मिलियन है आज, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर. किन से ज्यादा? अगर हम इन दो देशों को मिला दें तो इन दोनों के मिलाने के बाद भी हमारी अकेली कंट्री की पॉपुलेशन इनसे ज्यादा है. No one familiar with the conditions in India. कोई भी ज्यादा familiar नहीं है, मतलब इतना जानता नहीं है, इतनी knowledge नहीं है क्या क्या स्थिति, क्या condition हो रही है भारत की. Would doubt that the hope of people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. वो कह रहे हैं कि no one familiar with the conditions in India. कोई भी भारत की ये जो स्थिति है, जो conditions चल रही है यहाँ पर, उनसे फमिलियर नहीं है. वो डाउट दैट, वो इस बात पे संदेह करेंगे दैट द होप ऑफ पीपल, जो लोगों की आशाएं हैं वो क्या होंगी, वो मर जाएंगी. इन देयर हटमेंट्स, हटमेंट्स मतलब बहुत जगह जहां पे झोपड़ी लगा के लोग रहते हैं ना, गरीब लोग जहां पर रहते हैं उन लोगों के पास ना रिसोर्सेज है, नेता लोग उनको वादे कर देते हैं पूरे नहीं करते. ठीक है, तो ये कब तक चलेगा? जब तक ये पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, और पॉपुलेशन कंट्रोल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी. चलो फटाफट से एक क्विज और खेल लेते हैं.
तो आपके नेक्स्ट क्विज का पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक इकोलॉजिकल व्यू. पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये चीज बताई थी, होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू का मतलब क्या है. द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, सेविंग ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, सेविंग ट्रीज या रेन वाटर हार्वेस्ट. क्या है होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू का मतलब, क्या बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मैंने चैप्टर शुरू होते ही आज भी बताया था, ये क्या चीज थी. डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर, भविष्य का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान का डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ जनरेशन. मतलब हम आज की भी डिमांड्स पूरी कर सके और हमारी जो संसाधन है उनको बिना मतलब कि नुकसान पहुंचाए, या डी एनवायरमेंटल डेवलपमेंट. चलो सो भाई इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ आप लोगों ने क्या लिखा. होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, सेविंग ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, सेविंग ट्रीज या रेन फॉरेस्ट, रेन वाटर हार्वेस्ट. सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट. हमारा जो एनवायरमेंट है इसका प्रिजर्वेशन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा. And what is the concept of sustainable development? Sustainable development का concept क्या था? तो concept यही तो था कि हम आज की सारी मांग पूरी कर सकें बिना हमारा जो है भविष्य खराब करें. ठीक है, सो आज की हमारी ये जो क्लास है बच्चों, हम यही खत्म करते हैं. आगे का बचा हुआ चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, साथ ही साथ हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड इसी तरीके से क्लास लगाते रहिए. मैं आपको टाइम टेबल दिखा देती हूँ. ये है आपका टाइम टेबल. गणित की क्लास होती है 12 बजे, मतलब ये चारों जो क्लासेस है वो होती है सोमवार से शनिवार. ठीक है, 1 बजे रसायन विज्ञान, 2 बजे विज्ञान भौतिक, 3 बजे जीव विज्ञान. उसके बाद सोमवार बुधवार और शनिवार को मात्र आपकी इंग्लिश की क्लास होती है 4 बजे, जैसे कि आज हुई. और आज क्या था, बुधवार था ना. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. इसी तरीके से पढ़ते रहिए, खेलते रहिए एंड मजे करते रहिए.